सो गाइज, आज की स्पेशली वीडियो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आए थे कि सर असेंबल यानी कि जो लोकल एलईडी मार्केट में मिल रहे हैं सस्ते प्राइस में, क्या वो हमें परचेज करना चाहिए या फिर इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी एलईडी बेस्ट है, अगर ब्रांडेड भी ले तो कौन सा एलईडी परचेज करें। तो आपके सारे के सारे जो सवाल है उसके आज इसी वीडियो में आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मेन पॉइंट की, दोनों ही टीवी को हम साथ साथ लेके चलेंगे, यहाँ पर है असेंबल और यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर लोकल है और यहाँ पर ब्रांडेड है। बात करेंगे सबसे पहले लोकल टीवीज की। तो आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं सेल कर रहा था लोकल टीवीज की, तो स्मार्ट एलईडी यानी कि एंड्रॉयड टीवी जो कि एंड्रॉयड 4.4 बेस्ड एलईडी होते थे, उनकी जो प्राइस थी वो लगभग 8,000 से 7,500 के प्राइस रेंज में मिल जाते थे। पर आज की बात करें अभी की, तो अभी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। आप सभी को बताया जैसे लॉकडाउन था, कोरोना आ चुका है, उसके बाद कोरोना के आने के बाद प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उनका जो बायकॉट किया उसके बाद परचेज करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई और साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी टीवी की। तो अभी जो फ़िलहाल में जो प्राइस है जो लोकल टीवीज़ की, जो कि अच्छी क्वालिटी का हम अगर लेने जाएँ तो उसका भी 11,000 से लेकर 12,000 के बीच में प्राइस मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी चीपर क्वालिटी की एलईडी परचेज करते हैं तो भी आपको मिनिमम 10,000 यानी कि 10,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि लोकल परचेज और ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है। आप सभी को बता दो, अगर आप एक अच्छा लोकल एलईडी परचेज करेंगे तो मिनिमम आपको 12,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर वारंटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो ना तो किसी ब्रांड की है और ना ही आपको वहाँ पर वारंटी मिलेगी, ना कोई सर्विस सेंटर है, ना ही कोई ऑथेंटिक वहाँ पर आपको डीलर देखने को मिलेगा। जबकि अगर किसी और ब्रांड में जाते हैं जैसे कि TCL ही ले लीजिए या फिर कोई भी ब्रांड, TCL है, उसी के साथ साथ जैसे कि MI का TVs है, Realme के हैं, तो वो एक आपको ऑथेंटिक डीलर भी आपको देखने को मिलेंगे, सेलर भी सॉरी, और उसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन सर्विस सेंटर भी मिल जाते हैं जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। TCL की अभी हम अगर LED की बात भी करें तो उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है ऑन पैनल, यानी कि विथ पैनल आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है, 1 साल की पैनल की और 3 साल की ऑल ओवर LED TV की आपको वारंटी मिलती है। अगर लोकल से कंपेयर करें तो 3,000 रुपये महंगी है TCL, ब्रांडेड की बात करो तो 15,500 रुपये यानी कि 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में आपको 32 इंच का LED मिल जाएगा, फुल्ली स्मार्ट गूगल असिस्टेंट वॉइस असिस्टेंट के साथ आपको LED मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर एक लोकल LED की बात करें तो आपको वहाँ 12,000 से 12,500 आपको पे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है पर उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती। और एक चीज़, जो लोकल टीवीज है उसमें आपको ना तो कोई एंड्रॉयड सर्टिफाइड एंड्रॉयड मिलेगा, ना ही कोई गूगल की जो एप्लीकेशन है वो सर्टिफाइड नहीं होती है, ना अपडेट होती है, आप उसको टाइम पर अपडेट भी नहीं कर सकते, फिक्स होती है। उसी के साथ साथ उसमें जो बोलते हैं कि 1.5 GB 2 GB रैम है उतना होता नहीं है जबकि वो बोला जाता है, जबकि ब्रांडेड में आपको जो बोला जाता है वही आपको जो चीज़ है उसी के अंदर अब मिल जाती है। दोनों के बीच में अगर प्राइस की अगर बात करें डिफरेंस की, तो 3,000 रुपये का डिफरेंस है और 3,000 रुपये में डिफरेंस में आपको 3 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप LED TV परचेज करने वाले हैं या फिर करना है आपको परचेज अच्छा TV, तो आप किसी ब्रांडेड ब्रांड के साथ जाइए, आपको एक अच्छे सर्विस पॉइंट्स मिलेंगे, डीलर्स मिलेंगे, जिससे कि आप वहाँ पर ऑन साइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी वारंटी भी। उसी के साथ साथ डीलर से भी आप बात कीजिए, थोड़ा कन्वेंस कीजिए, आपको प्राइस में और भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली बात आती है दोनों ही टीवी में यानी कि किसकी लाइफ बेहतर होती है, क्योंकि लाइफ दोनों में ज़्यादा मायने रखती है। मैंने अभी तक LED TV लगभग पिछले 4 साल से मैंने सेल किए हैं, पर 4 साल में मुझे एक भी असेंबल यानी कि लोकल TV में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो फेस कहाँ से करेंगे, कोई भी रिपेयरिंग वाला पीस भी नहीं आया, यानी कि लोकल जो टीवी है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो लॉन्ग लाइफ चल जाती है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि असेंबल जो लोग बोलते हैं टीवीज, तो भले वो लोकल टीवी हो या फिर वो भले ब्रांडेड टीवी हो, दोनों ही टीवी असेंबल होते हैं किसी पर्सन के द्वारा, यानी कोई बंदा उसको असेंबल तो करेगा किसी मशीन के द्वारा या फिर किसी बंदे के द्वारा, वो चीज़ असेंबल होती है। लोकल और ब्रांडेड ये आप बोल सकते हैं, पर असेंबल टीवी नहीं बोल सकते, क्योंकि असेंबल हर चीज़ होती है, भले वो गाड़ी हो, बाइक हो, टीवी हो,
एक्स वाई जेड जो भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो भी गैजेट है वो असेंबल तो होगा। तो ये चीज़ आपको बता दूं कि लोकल टीवी की भी लाइव होती है और ब्रांडेड की भी होती है। और अगर ऐसे माने तो लोकल की अगर आपने परचेज कर ली और किसी बंदे ने वारंटी भी दे दी 6 महीने की, तो 6 महीने अगर चल जाती है उसके बाद अगर ख़राब हो जाती है तो वो आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जो ब्रांडेड में आपको 3 साल तक एक अच्छी सर्विस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर बात करें दोनों ही चीज़ के बारे में, तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कीजिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता 10,000 या फिर 7-8 हज़ार रुपये का, तो मान सकते थे कि हम असेंबल टीवी परचेज करें, बट यहाँ पर डिफरेंस है ओनली 3,000 रुपीज़ का। मैक्सिमम आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो 4,000, उससे ऊपर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरा मानना यही है कि अगर आपको टीवी परचेज करना है तो आप एक ब्रांडेड टीवी परचेज कीजिए, ना कि किसी लोकल या फिर जो असेंबल आप बोल सकते हैं उसमें आप ना पड़े। ब्रांडेड टीवी परचेज कीजिए, अच्छी ब्रांड का टीवी लीजिए। अच्छी ब्रांड का टीवी लेंगे तो अच्छी लाइफ होगी, आप टीवी बार बार परचेज नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।